हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। इंटिमेसी के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कितने समय के बाद करना चाहिए, नॉट श्योर? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं, या फिर प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में हैं, या फिर एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आपको फ्री में कई इंपॉर्टेंट टूल्स का एक्सेस मिल सकता है और एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। फैमिली की चाह रखने वाले कपल्स आने वाली खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि कुछ केसेस में पीरियड्स मिस होने तक का ये इंतजार बड़ा लंबा लगता है और ऐसे कपल्स जल्दी से जल्दी गुड न्यूज का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फिजिकली इंटीमेट होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज करने का सही समय क्या होता है? इसके इस्तेमाल में सावधानी ना रखने पर इसके रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। आइए जानते हैं इंटीमेसी के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, इसके रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट होते हैं और किन वजहों से टेस्ट रिजल्ट गलत आ सकते हैं। हाउ लॉन्ग टू वेट टू डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट। टेस्ट करने का सही समय जानने से पहले शॉर्ट में जानते हैं इंटरकोर्स से लेकर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होने तक की प्रोसेस। कंसेप्शन डजंट बिगिन इमीडिएटली आफ्टर सेक्स। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिकल इंटरकोर्स के तुरंत बाद ही कंसेप्शन नहीं होता, बल्कि इसमें थोड़ा वक्त लगता है। अप टू 5 days फॉर द स्पर्म टू फर्टिलाइज एन एग। स्पर्म को एग के साथ मिलकर फर्टिलाइज होने में लगभग 5 दिन तक लग सकते हैं। इट टेक्स फर्दर टाइम टू रीच द यूट्रस। फर्टिलाइज होने के बाद एक फिलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस की लाइनिंग में जाकर अटैच हो जाता है, जिसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। फ्रॉम सेक्स टू प्रेगनेंसी ओवरऑल 2 to 3 weeks। सेक्स करने के बाद से लेकर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होने तक ये जर्नी लगभग 2 से 3 हफ्ते की होती है। परफॉर्म द टेस्ट आफ्टर मिस्ड पीरियड्स। हमेशा होम प्रेगनेंसी टेस्ट को अपने पीरियड्स मिस होने के बाद ही करें, जिससे रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फॉर इरेगुलर पीरियड्स आफ्टर 10 days ऑफ इंटरकोर्स। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो उस केस में इंटरकोर्स के 10 दिन के बाद भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। यू मे यूज एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। आजकल मार्केट में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स भी अवेलेबल हैं, जो इंटरकोर्स के 8 दिन बाद ही बढ़ते हुए HCG हार्मोन को डिटेक्ट कर लेते हैं और सही रिजल्ट्स बता देते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप उन 10 लकी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइडे ₹500 का एक वाउचर जीतते हैं। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और उस शब्द को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो आपको वीडियो में मिलता है। वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप डाउनलोड करें। आर होम प्रेगनेंसी किट्स एक्यूरेट? जी हाँ, होम प्रेगनेंसी किट अधिकतर केसेस में एक्यूरेट रिजल्ट्स ही देते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इन पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से फॉलो किया जाए। हालांकि कुछ मामलों में जब होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स के रिजल्ट्स गलत आते हैं, तो उसकी कुछ वजहें हो सकती हैं, जैसे कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स। अक्सर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप पीरियड्स मिस होने से पहले ही, यानी कि सही समय से बहुत पहले ही टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। इस स्टेज में HCG का लेवल कम होने के कारण किट सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता और नेगेटिव शो करता है। दूसरा बड़ा कारण है टेस्ट करते हुए यूरिन ड्रॉप्स स्लाइड में डालने के बाद रिजल्ट्स आने तक 5 मिनट का वेट ना करना। होम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हमेशा मॉर्निंग की पहली यूरिन का सैंपल ही लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये सबसे ज्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होती है, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट हो जाते हैं। किसी और वक्त लिया गया सैंपल भी टेस्ट रिजल्ट की एक्यूरेसी में कमी ला सकता है। इसके अलावा अगर आप फर्टिलिटी या फिर दूसरी तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी टेस्ट रिजल्ट्स गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए टेस्ट के थ्रू एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए बेहतर है कि आप पीरियड मिस होने का इंतजार करें और उसके बाद ही होम प्रेगनेंसी टेस्ट यूज करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे थ्रू टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आते रहें।